अच्छा भाई फेज टू का काम देख लें, आपका स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ तो मेरी वीडियो में देख दो, आ जाओ जल्दी जल्दी काम करो भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, गुड होंगे, बेहतरीन होंगे। अच्छा जी, आज जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ, नॉर्थ नाजामाबाद का काम दिखाने आया हूँ कि औरंगी के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बताता चलूँ कि इन्होंने ये जो गेट है ना, ये गेट इसलिए लगाया है ताकि कोई आके यहाँ पर कचरा ना फेंके। पहले जैसे कचरा इधर कचरा कुंडी बनाई हुई थी वो दोबारा से ना हो जाए। लेकिन अब मैं क्या देखता हूँ कि ये औरंगी के बाद से जितने भी इन्होंने फाटक बनाने के लिए स्टार्टअप लिया है और गेट लगाए, तो गेट के बाहर कचरा कुंडी बना दी गई है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और इसके अलावा जो है वो इन्होंने अभी जो काम स्टार्ट हुआ है नॉर्थ नाजामाबाद का, वो अभी फाटक बना रहे हैं और गेट लगाए हैं और जो दीवारें थीं उनके ऊपर कलर हो रहे हैं। तो हम और आगे आपको अभी ये मैं जो स्टिल खड़ा हूँ ये मैं औरंगी के बाद खड़ा हूँ, औरंगी के बिल्कुल आगे का जो लाइन है ना, जैसे वहाँ पर रोक दिया गया था औरंगी का स्टेशन के बाद, अब जो औरंगी के स्टेशन के बाद का जो है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बासी शहीद के पास जो फाटक बनाया उसको भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उधर भी क्या काम चल रहा है। उसके बाद जो फाइनल हमारी डेस्टिनेशन होगी वो फाइनल होगी हमारी नॉर्थ नाजामाबाद, मेन नॉर्थ नाजामाबाद जहाँ ग्रीन लाइन का मसला चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को विजिट कराता हूँ। तो जब तक मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें और आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक और। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर पूरा दीवारों पर कलर हो रहा है अभी, और दीवारों के कलर होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊं कि वो दरवाज़े लग गए, और दरवाज़े लगने के बाद हमारी आवाम ने ये हाल कर दिया। उस दीवार के बाद जो है वो ये हाल हो गया, कचरे का कुंडी बना दी है यहाँ पर। जितना भी कचरा आप लोगों के घरों से उठाने वाले अफराद हैं वो सारा कचरा उठा के यहाँ पर फेंक रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए हमारी आवाम को। जितना साफ़ सुथरा कराची को रख सकते हैं उतना कराची को साफ़ सुथरा रखें। अच्छा जी, हम आगे और आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं फाटक सारे। अच्छा जी, ये नाजामाबाद के बाद जो है वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के पास जो मैं खड़ा हूँ, और इन्होंने यहाँ पर भी जो है वो गेट का फाटक के लिए पहले तो गेट लगाया, फिर उसके बाद अब फाटक बना रहे हैं, मतलब कि काम स्टार्ट हो चुका है, फाटक से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर ट्रैक्स की हालत बहुत बुरी है, मैं आप लोगों को अभी वीडियो में दिखा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा अंदर से, ठीक है। और अभी जो है ये पूरा आप लोगों के सामने है मंज़र इसका, ये औरंगी से होता हुआ औरंगी फेज़ टू जो है, फेज़ टू का औरंगी के बाद से होता हुआ ये नाजामाबाद जा रहा है, नॉर्थ नाजामाबाद। तो हम आगे चलते हैं नॉर्थ नाजामाबाद की तरफ, और ये इधर आप देख सकते हैं अब्बासी शहीद का रोड, यहाँ से अंदर आता हुआ पापोश की तरफ जा रहा है। तो ये वो फाटक है, मेन फाटक है जहाँ आमदोरफ्त भी बहुत ज़्यादा है, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर भी फाटक बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम आगे मूव करते हैं और आगे आप लोगों को दिखा। बिल्कुल मेन पॉइंट पर पहुंच चुका हूं, कराची सर्कुलर रेलवे नॉर्थ नाजामाबाद का जो एक आखिरी कोना है जहां पर एक बड़ा मसला फंसा हुआ है कि ग्रीन लाइन और सर्कुलर रेलवे का। अच्छा सर, इस हवाले से बात की जाए तो मैंने पिछली वीडियो में भी यही आप लोगों को बताया था कि सर्कुलर रेलवे का ना अंडरपास बन सकता है ना फ्लाईओवर बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब जगह एक स्पेस इतनी हैवी ट्रेन होती है उसको ना अंडरपास में गुजार सकते हैं हम लोग, क्योंकि एकदम से नीचे जाएगी। और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं बन सकता है और बना सकते हैं, फ्लाईओवर भी बना सकते हैं, हर जगह बनता है। अच्छा, वो फ्लाईओवर इस वजह से बनता है कि वो टोटली जो है ना वो फ्लाईओवर पर चल रही होती है, या फिर बीच में से कोई स्पेस कम होती है, रोड कम होता है, तो
उसको लेवल करके फ्लाईओवर बना दिया जाता है। और अंडरपास के लिए ऐसा होता है कि अंडरपास ही चल रही होती है स्टार्टिंग से एंड तक अंडरपास पर ही, क्योंकि एक ही ट्रैक पर चलती है, सीधी चलती है ट्रेन, क्योंकि वो ना वो ऊपर चढ़ सकती है जैसे हमारी आम गाड़ियाँ फ्लाईओवर पर चढ़ जाती हैं, वैसे नहीं हो सकता बीच बीच में। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को चीज़ बताता चलूँ, जैसे कि इन्होंने सब जगह गेट्स लगाए हैं, फाटक बनाया, ठीक है वो तो बिल्कुल सही करा है हमारे सर्कुलर रेलवे ने, बहुत अच्छा काम करा है। लेकिन लास्ट में जो मैं अपनी आवाम के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप लोगों के लिए हमने एक चीज़ बंद कर दी है, आपने अंदर कचरा फेंका हुआ था वो हमने हटा के साफ़ करके वो बंद कर दिया बकौल सर्कुलर रेलवे के। और अब जो है वो आप हमारी आवाम की, मैं कुछ कह नहीं सकता कि जितना हमारे घर से कचरा सारा उठा के लेके जाते हैं ये कचरे वाले, वो यहाँ ला के डम कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ अंदर फेंकते थे पहले, लेकिन अब जो है वो इन्होंने क्या करा है, वहाँ से गेट बंद होने के बाद इन्होंने यहाँ पर सारा कचरा यहाँ पर फेंकना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे कराची को साफ होने नहीं देंगे ये लोग। काइंडली यार आप लोगों को मैसेज है कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए कि ये जो कचरे वाले हैं ये कचरा अपना जगह पर फेंकें, जहाँ इनकी जगह है, जहाँ इनको एक प्लॉटिंग दी जाती है कि आप वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर ही कचरा डंप कर सकते हैं। अपनी सहूलत के लिए ये लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ इलाकों के कोई भी प्लॉट खाली नज़र आता है वहाँ पर अपना कचरा उठा के फेंक देते हैं। वो साफ़ सुथरा नहीं रहने देते, वो कुछ ना कुछ गंदगी कर देते हैं। लाइक जैसे हम लोग कोई पार्क का इफ्तिताह करते हैं तो वो पार्क में भी जो है ना वो ऐसा करते हैं कि पार्क को भी गंदा कर देते हैं, कोई पान की फीक फेंक देता है। अभी ये दीवारें बिल्कुल साफ़ हैं, तो काइंडली इसको दीवारों को साफ़ रखा जाए, क्योंकि ये खूबसूरती आप लोग देख रहे हैं कि इतनी प्यारी खूबसूरती है, कलर इतना प्यारा करा है, इसके ऊपर पेंट करा है, लिखा है इसके ऊपर इतना प्यारा है कराची सर्कुलर रेलवे। आपको मैं गारंटी देता हूँ एक दो महीने बाद इधर पान की पीपें पड़ी हुई होंगी। क्यों? क्योंकि हमारी आवाम नहीं सुधरती है। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिएगा। और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, ये पीछे आप लोग देख रहे हैं ये पीछे का रोड, अभी तक यहाँ काम नहीं स्टार्ट हुआ है, जो इन लोगों को FWO को चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपने बहुत तेज़ी से काम करना है, वो अभी बहुत तेज़ी नहीं है, बहुत स्लो काम चल रहा है। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी अपडेट अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और स्टेशन पर और नई अपडेट के साथ। फ़ियामानिल्ला, अल्लाह हाफिज़।